हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी FCI AG3 डिपो के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है इस प्रोफाइल पे। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड है। किसी का सिर्फ FCI में हुआ है तो किसी का कहीं और भी हो गया है, तो उनको डाउट से इस FCI AG3 डिपो वाली प्रोफाइल के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स मैंने अभी जो FCI AG3 में एज अ डिपो पोस्टेड है लास्ट 2-3 ईयर्स से, उनसे बात की मैंने और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई है इसके बारे में। आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर डिपो का काम होता है ना, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब कुछ स्टेट में डिपो का काम अलग होता है तो कुछ स्टेट में अलग होता है। तो पूरे इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एक पर्सन से पूछा हो, तो हो सकता है वो कहीं और पोस्टेड हो, उनका काम अलग हो, फिर आप ज्वाइन कर ले, आप कहीं और ज्वाइन करें और आपको लगे कि ये तो बिल्कुल अलग काम है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो डिपो का काम होता है जनरली फील्ड का काम होता है। अब हर स्टेट में अलग अलग रहता है। जैसे MP में जैसा रहता है कि यहाँ पर आपको जो भी अनाज है वो लोड करवाना रहता है रैक पे, तो वो आपको रेलवे स्टेशन पे अलग अलग ट्रेन्स रहती है वहाँ पर होता है, तो उनकी फिक्स जगह रहती है कि वहाँ वहाँ जाकर आपको लोड करवाना होता है। और वो जो ड्यूटी होती है वो 9 आवर्स या 11 आवर्स की होती है। तो ये काम ज़रूरी नहीं है कि ये रोज़ आता है, और रोज़ आएगा भी तो ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ वहाँ पर भेजा जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें डिपो में कि फील्ड का काम रहता है, लेकिन ये काम उतना वैसा नहीं रहता कि आप ना कर पाए। और सबसे पहली बात ये कि इसमें 9 आवर्स की अगर ये ड्यूटी है, मान लो आपको सुबह 12 बजे का टाइम दिया गया कि आपको वहाँ पर जाना है, तो 12 बजे से फिर आपको रात की 9 बजे तक काम करना है। लेकिन FCI की जो वर्किंग आवर्स है वो 10 to 5:30 होते हैं। तो 10 to 5:30 के आगे पीछे आप जितना भी काम कर रहे हैं, जितनी भी देर के लिए, आपको ओवर टाइम अलाउंस FCI में मिलता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आपको उसका पे मिल रहा है। तो ये डिपो में बहुत अच्छी चीज़ है जो बाकी कैडर में नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको ऐसा एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना पड़ता। ओवर टाइम का जितना मुझे पता है पर आवर आपको 250 रुपीज़ मिलते हैं। तो मान लो अगर आपको किसी ने सुबह 12 बजे या दिन में 3 बजे रैक पे बुलाया, तो आपको रात की 12 बजे तक वहाँ पर काम करना है, या वहाँ पर काम भी नहीं करना, आपको सिर्फ वहाँ पर ऑब्जर्व करना रहता है, देखना रहता है, काम करवाना रहता है। तो वो जो चीज़ है उसके लिए आपको 5:30 के बाद आप रात की 12 बजे तक अगर वहाँ हो तो आपको उसका पर आवर 250 रुपीज़ का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। उसके साथ आपको जो TADA मिलता है वो अलग मिलता है। मान लो आप कहीं पर पोस्टेड हो और आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है, तो वो आने जाने का जो भी खर्चा है वो सारा आपको FCI देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी है। दूसरी चीज़ ये कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि हम डिपो ज्वाइन करें या ना करें। तो गर्ल्स के लिए जैसा मुझे उन्होंने बताया कि गर्ल्स के लिए तो FCI में डिपो से बेस्ट कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि डिपो फील्ड की जॉब होती है और गर्ल्स को फील्ड पर नहीं भेजते। जनरली गर्ल्स अगर विलिंगली जाना चाहती है फील्ड पे तो वो जा सकती है, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहती तो उनको वो ऑफिस में ही काम करवाते हैं। और जैसे जो भी वो सामान लोड कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल जो डेटा होता है वो बना के आपको आगे भेजना होता है, तो वो डेटा बनाने का काम जो एक्सेल में होता है वो गर्ल्स करती है। तो ये गर्ल्स की वर्किंग वहाँ पर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी गर्ल को जाना भी पड़े, तो एक आध बार जाना पड़े, तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा भी वहाँ पर चल जाता है कि मान लो कोई गर्ल है, वो गई नहीं, लेकिन वहाँ पर आपके कलीग्स बन जाते हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो कोई और गया लेकिन उन्होंने आपका नाम डाल दिया, तो आपको भी TADA मिल जाता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट चल जाते हैं। ये हर जॉब का अपना अलग अलग होता है, वहाँ पर कैसे आपके कलीग्स हैं, कैसा वर्किंग एनवायरमेंट है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि वहाँ पर डेपो में आपको कुछ एंट्री के टाइम ऐसे फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक नहीं लगाना होता। तो 10 का भी अगर टाइम है, आप 10:30, 11, 11:30 ऐसे कभी जा भी रहे हैं, तो उसमें इतना इशू नहीं है। आप आराम से रिलैक्स माहौल रहता है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती। तो एक और जो डाउट सबसे ज़्यादा लोगों को आ रहा है कि हमें अभी और आगे बढ़ना है, हमें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, जैसे किसी को SSC CGL की करनी है, किसी को UPSC की करनी है, किसी को RBI ग्रेड बी की करनी है। तो ऐसी अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो FCI बहुत ही सही जगह है, क्योंकि वहाँ पर आपको उतना वर्कलोड नहीं रहेगा। अगर कोई बैंक PO से कंपेयर करे तो दोनों में कंपैरेटिवली वर्कलोड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। FCI में उतना वर्कलोड रहता नहीं है। अगर आपको बैठना भी है तो आपका जो माइंड है वो उतना थकेगा नहीं, क्योंकि आपको ना पब्लिक डीलिंग करनी है, जो नॉर्मल रूटीन काम रहता है आपको वही करना है। 5:30 पे आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से घर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ ये कि
यहाँ पर कोई रूरल पोस्टिंग नहीं होती, तो जो भी गर्ल्स पूछ रही हैं तो गर्ल्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि बैंकिंग में तो रूरल पोस्टिंग होती ही होती है, आपको एक ना एक बार रूरल करना पड़ेगा, लेकिन FCI में रूरल नहीं होता। यहाँ पे ZO होते हैं, सबसे पहले 5 इनके जोनल ऑफिस रहेंगे, जितनी 5 जोन से उसके बाद इनके रीजनल ऑफिस होते हैं हर स्टेट में, उसके बाद इनके डिविजनल ऑफिस होते हैं DO, और उसके बाद डिपो होता है। तो जिनकी ZO और RO में पोस्टिंग होती है उनकी तो 5 डे वर्किंग वाली जॉब, उनको सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो ये भी बहुत अच्छा फायदा। उसके बाद उनको बड़ी सिटीज में ही रहने को मिलेगा। जो DO में पोस्टेड है, DO भी बड़ी सिटीज में ही होते हैं, DO गांव में नहीं रहते या ऐसी छोटी तहसील में भी नहीं रहते, जनरली जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस होती है वहीं पर रहते हैं, तो वहां पर आपको 5 डे नहीं रहेगा, वहां पे आपको 6 डे रहेगा, लेकिन सेकंड सैटरडे आपका ऑफ रहता है। तो रूरल पोस्टिंग नहीं है। गर्ल्स के लिए एक और एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू बैंक्स, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई और उसका शादी के पहले ट्रांसफर भी हो गया बहुत ही ईजिली। तो जिन भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि क्या ज्वाइन करें, मैंने सारे प्रोस कॉन्स बता दिए। इससे पहले भी कुछ वीडियोस डाले थे जिसमें हमने बैंक की जॉब FCI की जॉब को कंपेयर किया था। अगर FCI एक क्लरिकल लेवल की जॉब है, तो बैंक के क्लर्क से जो लोग इस जॉब को कंपेयर कर रहे हैं उसमें तो सैलरी इन्हें ही ज़्यादा मिलती है FCI को, लेकिन अगर इसको कोई बैंक की PO की जॉब से कंपेयर कर रहा है तो बैंक की PO की जॉब को ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन सैलरी सिर्फ एक फैक्टर होता है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, हर किसी को सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं होता, क्योंकि आपका फ्यूचर भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रह रहा है, उसके बाद स्पेशली शादी के बाद आपको जब ट्रांसफर के इश्यूज आते हैं तब जो पैसे हैं वो इतने मैटर नहीं करते, आपको बस ये रहता है कि आपकी पोस्टिंग सही जगह हो जाए। तो ये सारी चीज़ें FCI में ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो लोग प्रमोशंस की बात करते हैं, हाँ प्रमोशंस तो थोड़े स्लो होते ही हैं, लेकिन हर किसी को प्रमोशन नहीं लेना होता, किसी को ऐसा होता है कि स्टेबल लाइफ चाहिए, हम जहाँ हैं वहाँ पर हैप्पी है, उतनी सैलरी में सेटिस्फाइड है, तो उन लोगों के लिए FCI की जॉब अच्छी है। ऐसा नहीं कि आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपको हर 3 इयर्स में इंक्रीमेंट, 6 इयर्स में इंक्रीमेंट ऐसे लगते हैं और सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, और उतनी सैलरी सफिशिएंट होती है। गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, चाहे कोई सी भी हो, जनरल, कैडर, अकाउंट्स, टेक्निकल, डिपो, सारी ही जो है गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी है। लड़कों को थोड़ा रहता है कि हाँ हमें प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो वो थोड़ा सोच सकते हैं कि उन्हें सैलरी और प्रमोशन ज़्यादा चाहिए या उन्हें गुड वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। आपको जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।